नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसेंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, और इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, और उस लेक्चर सीरीज में हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के जो पाठ्यक्रम था उसके अनुसार समझने का प्रयास किया था। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमने पिछली बार देखा था कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, ग्राम पंचायतें क्या होती हैं, हमने उसको समझा था। और हमने आपसे ये कहा था कि जब हम पढ़ रहे थे कि हम पूरे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को किस संदर्भ में देखेंगे, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस संदर्भ में देखेंगे। और पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो पाठ्यक्रम अपने साथ रखना है, और साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को साथ रखना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम, और हम देखेंगे आज संसद को देखेंगे। तो जो आप जब यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो आप उसमें पाते हैं कि जो इस लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है उस पर कि स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्तियों का हस्तांतरण, उसके बाद कुछ एक दो बिंदु आते हैं, उन बिंदुओं की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पार्लियामेंट पर जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि भारतीय भारतीय संवैधानिक योजना या मशीनरी का अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, एक तो ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि भारत की जो संस्थाएं हैं उनके भी शक्तियों शक्तियों का पृथक्करण पृथक्करण विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, ये दो बिंदु लिखे गए हैं। जब आप देखेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को, तो जो है कि स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्तियों का हस्तांतरण के बाद आप जाएंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, और फिर है कि विवाद निवारण तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है आपका, और उसकी इंस्टीट्यूशन से क्या है। और उसके बाद जो बिंदु लिखा हुआ है वो लिखा है भारतीय संवैधानिक योजना का अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो संवैधानिक योजना है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्लानिंग है, जो मशीनरी है, उसका कंपेरेटिव स्टडी करना है हमें किसके साथ, अन्य देशों के साथ, मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन। अब आप देखिएगा, अगर हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो ये टॉपिक अपने आप लंबे हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय संवैधानिक योजना का अगर हम अन्य देशों के साथ तुलना करें तो देखिए कितने सारे देश हैं। और अगर चलिए सारे देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन ना भी करें, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, जर्मनी है, मुख्य मुख्य देशों के साथ तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करना ही पड़ेगा। और अगर इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन करने बैठेंगे तो इस पर ही 20-25 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर क्या होता है कि इन बिंदुओं को पृथक रूप से ना पढ़ाया जाए, सेपरेट रूप से ना पढ़ाकर क्या कर रहे हैं, हम संविधान को पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ क्या करते जा रहे हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन करते जा रहे हैं भारतीय संविधान की योजना का। जैसे हमने जब मूल अधिकारों को देखा था, हमने जब डीपीएसपी को देखा था, तो हमने वहां क्या किया था कि भारत में मूल अधिकारों की क्या स्थिति है, फंडामेंटल राइट्स की क्या सिचुएशन है, हमने उसी संदर्भ में कंपेरेटिव स्टडी किसके साथ की थी, ब्रिटेन के साथ और अमेरिका के साथ की थी। और जब हमने कल्याणकारी राज के संदर्भ में समझा था, तो हमने अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया था, ठीक है। जब हम संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो हम पार्लियामेंट की संदर्भ में भी तुलनात्मक अध्ययन करते जाएंगे ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ और अन्य देशों की संवैधानिक योजना के साथ। तो ये चैप्टर अलग से पढ़ने वाले नहीं है। जब हम भारतीय संविधान के मुख्य चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, मुख्य प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं, तो वहीं क्या करना है कि तुलनात्मक अध्ययन भी करते जाना है। और इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा, और जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अब शक्तियों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का कैसे पृथक्करण होना चाहिए, विवाद निवारण तंत्र क्या है, ये शक्तियों का पृथक्करण भी क्या है कि जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसी में ही उसको हम कवर करते जा रहे हैं कि शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार किया गया है। अब विवाद निवारण तंत्र और उससे संबंधित संस्थान क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम विभिन्न प्रकार के संगठन पढ़ेंगे तो वहाँ इस बिंदु को जाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन कहाँ किसे कैसे पढ़ाना है उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण मैं करूँगा। तो ये दो टॉपिक के बाद जो हमारा टॉपिक आता है मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में, वो आता है कि संसद और राज्य की विधायिकाएं। चैप्टर क्या लिखा हुआ है कि संसद और राज्य की विधायिकाएं या राज्य के विधानमंडल के कार्य क्या हैं, कार्य संचालन क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसके संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं और उससे उत्पन्न होने वाले विषय क्या क्या हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है संसद के संदर्भ में कि इसकी संरचना कैसी, स्ट्रक्चर क्या है, इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, कार्य संचालन कैसे हो रहा है, ये वर्क कैसे करता है, संसद हमारी वर्क कैसे करती है। फिर है कि विशेषाधिकार प्रिविलेज पढ़ने हैं, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न विषय, इश्यूज अराइजिंग
फ्रॉम इट, जो ये चीजें हैं, इनसे क्या क्या विषय उत्पन्न हो रहे हैं, क्या क्या इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, विषय उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। मतलब कि इनसे उत्पन्न विषय का मतलब क्या होता है कि वहाँ आपको करंट अफेयर्स भी देखनी है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी देखनी है। ये तो संरचना है, कार है, कार संचालन है, विशेषाधिकार, एक तरह से स्टैटिक विषय हो गया। जब इसके साथ उन्होंने आगे क्या शब्द जोड़ दिया है कि इनसे उत्पन्न विषय, इनसे उत्पन्न विषय, इश्यूज अराइजिंग, तो वहां आपको करंट अफेयर्स देखनी है कि क्या संसद को लेके क्या विवाद चल रहा है, कोई ऐसा बिंदु उभर कर आ रहा है जो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है संसद के संदर्भ में, तो इन सब चीजों को हमें करंट अफेयर्स के रूप में देखना है। और तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो अभी पीटी आ रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ लेक्चर्स में भारतीय संविधान और राजव्यवस्था और IR पर करंट अफेयर्स के भी लूंगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं, और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में अगर आप जाके पाठ्यक्रम देखेंगे और फिर मेरे लेक्चर देखेंगे तो वहाँ आपको लगेगा कुछ चीज़ें सर ने छोड़ दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें छोड़ी हैं। वह चीज़ें जब आपका पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ा दिया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वह चीज़ें कवर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका कार्य क्या है पार्लियामेंट का, कार्य से पहले देखेंगे संरचना क्या है, संरचना स्ट्रक्चर क्या है, कार्य क्या है, इस कार्य का संचालन कैसे किया जाता है उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, फिर विशेषाधिकारों को देखेंगे, विशेषाधिकार और उससे उत्पन्न होने वाले विषय को देखा जाएगा। तो ये इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं और यही राज्य के संदर्भ में पढ़ने हैं, राज्य की जो विधायिका है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि संसद को पढ़ना शुरू करते हैं कि संसद क्या है, पार्लियामेंट कैसे कार्य करती है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में खूब आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी आते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान, ठीक। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों, और उसके बाद देखेंगे हम राज्यसभा को देखेंगे। इस पे कुछ लेक्चर चलेंगे, 4-5-6 लेक्चर चलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्लियामेंट में ही पूरी भारतीय संविधान और व्यवस्था छुपी हुई है। तो इस पर एक लेक्चर चलेंगे 5-6, उसके माध्यम से पूरे हम संसद को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है संसद को लेकर, जैसा मैंने है लिखा हुआ है भारतीय संविधान में, क्या लिखा है, भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक हमारा संसद के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संसद पार्लियामेंट के बारे में कहाँ लिखा गया है, भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेके 122, मतलब 79 से लेके 122 तक लिखे गए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संसद क्या है, संसद क्या है, संसद किस किस से मिलकर बनती है, संसद किस से मिलकर बनती है, किस से मिलकर बनती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार संसद, संसद किससे मिलकर बनती है, तीन से मिलकर बनती है, एक तो राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से, ठीक, और लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक। एक तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का प्रावधान किया गया है, संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर है कि संसद क्या है या संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद क्या है का आशय क्या है, व्हाट इज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट हमारे देश के सर्वोच्च विधि निर्माण की इकाई है। संसद क्या है, देश की सर्वोच्च विधि निर्माण की इकाई है, ठीक। जैसा कि हमने प्रारंभ में जब हमने शुरू किया था अपना पढ़ाना, तो हमने वहां एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं। तो वहां क्या बताया था कि जो हमारी विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है, उसी को ही पार्लियामेंट कहा जाता है, हमारी जो लेजिस्लेटिव होती है। तो लेजिस्लेटिव का कार्य क्या होता है कि हमारे संविधान का, हमारे कानूनों का और संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो संसद क्या है या संसद का कार्य क्या है, देश की सर्वोच्च विधि का निर्माण करना है। और संसद किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये सवाल खूब आता है PCHSE परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में सवाल खूब आता है कि पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप में से पूछ लिया जाएगा 1-2-3, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ, अब है कि किससे मिलकर बनती है, मिलकर किस किस से बनती है, मिलकर, तो हमने क्या क्या देखा कि एक तो राष्ट्रपति से मिलकर बन रही है, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा, ठीक। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और द्वितीय सदन,
और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और प्रथम सदन, ठीक, सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक। देखिए थोड़ा सा अलग है कि जो निम्न है लोकसभा निम्न है, ये द्वितीय है, जो निम्न है वो प्रथम है, जो निम्न है वो प्रथम है, जो द्वितीय है वो उच्च है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इन वर्ड्स को लेकर, और पीसीए जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय सदन किसे कहा जाता है, निम्न सदन किसे कहा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि राज्यसभा को एक तो उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और दूसरा इसको द्वितीय सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और इसको प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है। तो हमारी संसद जो है, हमारी संसद जो है वो किससे मिलकर बन रही है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। देखिए 1954 तक, 1954 तक हम राज्यसभा को क्या कहते थे, राज्यसभा, राज्यसभा को हम राज्य की परिषद कहते थे, राज्य की परिषद, ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को कहते थे, लोकसभा को कहते थे जनता का सदन, जनता का सदन। 1954 तक, 1954 में इनके नाम में परिवर्तन किया गया और राज्य की परिषद को राज्यसभा कर दिया गया और जनता के सदन को लोकसभा नाम दे दिया गया। तो हमारी जो संसद मिलकर बन रही है वह तीन चीजों से मिल रही है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमें तुलनात्मक अध्ययन भी करना है अन्य देशों के साथ। तो हमारी जो संसदीय, हमने कैसी व्यवस्था है भारत में, संसदीय व्यवस्था, इसको याद रखना है आपको, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही शुरुआत में जब लेक्चर शुरू किया था तो हमने वहाँ बहुत व्यापक स्तर से समझाया था, और उसके बाद पूरी एक सीरीज चली थी संसदीय व्यवस्था पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जहाँ विधायक कार्यपालिका से ली जाए और कार्यपालिका विधायिका से ली जाए, ठीक है, तो वो संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत की संसदीय व्यवस्था किसके समान है, ब्रिटेन के समान है, हमने यह भी देखा था, क्योंकि ब्रिटेन की संसद भी किसके से मिलकर बनती है, राजा से, ठीक है, और आपके उच्च सदन से और आपके निम्न सदन से, ठीक। तो ब्रिटेन, जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है, और उस सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे देश की जो संसद बनती है वो तीन बिंदुओं से या तीन तत्वों से मिलकर बनती है, किस किस से, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो हमारी जो संसद का प्रारूप है वो हमने कहाँ से फॉलो किया है, हमारी संसदीय व्यवस्था, जैसे बेस्ट मिनिस्टर हम लोग व्यवस्था भी कहते हैं, वो कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद भी किससे मिलकर बनती है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वहाँ वो राजा होता है, ठीक है, वहाँ का राजा, वहाँ के राजा से मिलकर बनती है, वहाँ के उच्च सदन से मिलकर बनती है, हाउस ऑफ लॉर्ड से, जैसे हम अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर बनती है, जैसे हम लोकसभा कहते हैं। तो भारत की जो संसद की, भारत की संसद की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, वो किसके समान है, वो ब्रिटेन के समान है, क्योंकि भारत की संसद भी तीन से मिलकर बन रही है और ब्रिटेन की संसद भी तीन से मिलकर बन रही है। जैसे भारत में एक अपर हाउस है, वहाँ भी अपर हाउस है, भारत में लोअर हाउस है, वहाँ भी लोअर हाउस है। बस अंतर केवल इतना है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कैसा है, वो निर्वाचित है, जबकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कैसा है, वह वंशानुगत चला आ रहा है, वहां का राजा ही वहां का हेड होता है, ठीक है। तो ये हमने किसके साथ तुलना की, ब्रिटेन के साथ तुलना की, ठीक। अब है अमेरिका के साथ, अमेरिका में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है, अध्यक्षीय शासन अपनाया गया है, ठीक है। तो वहां की संसद जो है, वहां की संसद को क्या कहते हैं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस में दो होते हैं, ठीक है, एक तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, अमेरिका, समझिए, देखिए हमने एक तो किससे तुलना की, ब्रिटेन से की, और दूसरा अमेरिका से कर रहे हैं। अमेरिका में होता है एक सीनेट होता है, एक जिस सीनेट का मतलब क्या है, राज्यसभा, और यहाँ एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यह है लोकसभा के समान होता है। लेकिन अमेरिका में जो संसद होती है, जैसे हमने क्या कहा है, कांग्रेस कहा है अमेरिका की संसद, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस केवल दो तत्वों से मिलकर बनती है, टू एलिमेंट्स से मिलकर बनती है, सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। सीनेट उच्च सदन है, राज्यसभा के समान, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसा है, लोकसभा के समान होता है, ठीक है। और यहाँ की संसद से पार्लियामेंट का अंग वहाँ का राष्ट्रपति नहीं होता है। अमेरिका में पार्लियामेंट का जो अंग है वह राष्ट्रपति नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ की संसद
जैसे हम कांग्रेस कहते हैं, सीनेट और आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है। तो ये देखिए, हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, ऐसे ही हम तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमने ये संवैधानिक प्रावधान देखा, हमने संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या देखा कि भारत के संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद से संबंधित है प्रावधान, ठीक है, किससे संबंधित है, संसद पार्लियामेंट से संबंधित है। फिर हमने देखा कि भारतीय संविधान में पार्लियामेंट का क्या आशय है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का कार्य क्या है कि भारत की पार्लियामेंट भारत की सर्वोच्च विधि निर्माण की इकाई है, ठीक। और फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, राज्यसभा से और लोकसभा से। फिर हमने भारत की जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन ब्रिटेन से किया और अमेरिका से किया। इस प्रकार हमने ब्रिटेन और अमेरिका को भी देखा है, ठीक है। तो अब फिर प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है, ठीक है, संसद का अंग क्यों है। देखिए, एक तो है कि राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य होता है, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चुन लिया जा रहा है और लोकसभा राष्ट्र और राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा अपनी सदस्यता से। एक तो राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य है, किसी सदन का सदस्य है, और ना संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग भी नहीं लेता है। राष्ट्रपति, जैसे हमने बताया कि भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब राष्ट्रपति से अगर मिलकर बन रही है, तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है। कोई आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का, अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, और ना ही वह लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है। तो फिर क्या कारण है कि भारत की संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जब संसद से कोई विधेयक बिल, जब संसद में कोई विधेयक लाया जाता है किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, जैसे मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक से संबंधित कोई कानून था, तो सरकार ने उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर वो लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास हुआ, तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, मतलब कि अधिनियम बनता है। तो भारत में कोई भी विधेयक बिल अधिनियम बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्योंकि संसद का काम क्या है कि भारत में विधि का निर्माण करना, लॉ मेकिंग है पार्लियामेंट का कार्य। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा से अगर कोई विधेयक, कोई बिल पास हो रहा है, तो उसे किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं दे रहा है, अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, अपनी सहमति नहीं दे रहा है, तो वो विधेयक जो है, वो विधेयक आपका अधिनियम, एक्ट नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। तो कानून निर्माण का कार्य कौन कर रहा है, कानून निर्माण का कार्य राष्ट्रपति भी कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बिना विधेयक कानून नहीं बन रहा है। इसलिए संसद का सदस्य ना होते हुए भी, संसद की बैठकों में भाग ना लेते हुए भी, राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है। इसके अतिरिक्त और भी कार्य करता है राष्ट्रपति, जैसे सत्र अपसान करता है, ठीक है, सत्रों का आहूत करता है, सत्रों को आहूत करता है, संसद का विघटन करता है, और अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश भी जारी करता है। तो ये सब भी देखिए संसद से जुड़े हुए भाग हैं, और संसद की लॉ मेकिंग प्रक्रिया से जुड़े भाग हैं। ऑर्डिनेंस हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, विघटन कर रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है, सत्रापसान कर रहा है, सत्रों को आहूत कर रहा है, ये राष्ट्रपति के कार्य है। ये पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि राष्ट्रपति क्या क्या करता है संसद से संबंधित, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों माना जाए, जबकि वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य है और ना ही संसद के किसी सदन की बैठकों में भाग लेता है। तो उसका कारण क्या है कि अगर भारत की संसद से कोई बिल पारित हो रहा है, कोई विधेयक पारित हो रहा है, तो वह ना राष्ट्रपति की अनुमति के, राष्ट्रपति के कंसेंट के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वो एक्ट नहीं बन सकता है। और इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद से सत्रों का आहूत करता है, उनका अपसान करता है, विघटन करता है और अध्यादेश करता है। इस संदर्भ के कारण ही हमने उसे क्या कहा है, राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अभिन्न अंग माना है, ठीक है, अभिन्न अंग माना है, ठीक। तो ये कारण है, इसलिए हमने उसको माना है। अब देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि राज्यसभा की संरचना क्या है, कार्य तो बाद में देखेंगे हम,
अभी पहले संरचना को समझ रहे हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हमारे क्या है, संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा, देखिए एक तो है कि आपको अनुच्छेद के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो अनुच्छेद के माध्यम से मैं पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा। मेरा प्रयास है, जैसा कि मैं हमेशा लेक्चर से शुरुआत से कह रहा हूँ, कि अवधारणा समझा ही जाए आपको। ठीक है, तो अनुच्छेद तो आप भी जाकर समझ सकते हैं, पर वही है कि 79, 80, 81 वो फिर SSC लेवल का चला जाता है और रेलवे और बैंक के लेवल का चला जाता है। हम बात कर रहे हैं केवल UPSC PCS की। UPSC PCS के संदर्भ में अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो वहाँ अनुच्छेद आपसे बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेदों की जो अवधारणा है, अनुच्छेदों में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो आपसे पूछा जा रहा है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। तो मेरा मुख्य फोकस जो है वो आपका यही है कि हम जो है अवधारणा कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए संरचना के संदर्भ में बात करते हैं कि राज्यसभा की संरचना क्या है, राज्यसभा में कैसी सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं सदस्य, मेंबर्स राज्यसभा के। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है कि राज्यसभा के अधिकतम मेंबर जो हैं, अधिकतम मेंबर 250 होंगे। ठीक है, अधिकतम मेंबर कितने होंगे, 250 होंगे, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। और इस 250 में से 12 आपके मनोनीत होंगे, जो राष्ट्रपति करता है, जानते होंगे आप, और 238 सदस्य आपके कहाँ से आएंगे, वह निर्वाचित होके आएंगे, इलेक्टेड होके आएंगे, कहाँ से, राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से। ठीक, संविधान के अनुसार राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो 250 होगी, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड होके आएंगे, और वो इलेक्टेड कौन करेगा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करेंगे, और 12 सदस्य जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति है कि 245 ही सदस्यों का चुनाव होता है, यहाँ फिक्स कर दिया गया है, अभी वो बाद में देखेंगे क्यों फिक्स कर दिया गया है, 245 तक ही होता है। और 245 में 229 राज्यों से आते हैं, 4 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं, तो ये आपके 245 हो गए। ठीक है, वर्तमान में 245 पर ही चुनाव हो रहा है, 239 विभिन्न राज्यों से आते हैं। ठीक है, अब फिर है कि ये तो हुई सदस्य संख्या, फिर है सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आवंटन किसके बीच, राज्यों के बीच सीटों का आवंटन, राज्यों के बीच सीटों का आवंटन, और राज्यों के बीच किस राज्य को कितनी सीट दी गई है, ये कहां लिखा गया है, चौथी अनुसूची में, कहां लिखा गया है, चौथी अनुसूची में, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारत के संविधान में तो चौथी अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा की प्राप्त होंगी, और सीटें किस आधार पर दी जाती हैं, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं राज्यसभा में, कि जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या होगी उसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश को 21 सीटें प्राप्त हैं, उसी प्रकार जनसंख्या अनुपात में सीटों का आवंटन होता है, और किसी किसी राज्य को जनसंख्या के आधार पर 1 सीट प्राप्त होती है, किसी राज्य को 2, किसी राज्य को 10, किसी राज्य को 20, जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें प्राप्त है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख कहाँ किया गया है, चौथी अनुसूची में, और जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। लेकिन हम यहाँ थोड़ी तुलना करते हैं यूएसए से, जो यूएसए का सीनेट है वो हमारा राज्यसभा है लगभग, तो यूएसए में जो सीटों का आवंटन किया गया है राज्यसभा के लिए, जैसे हम सीनेट कहते हैं यूएसए में, वह जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि उसको फिक्स कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, क्या फिक्स कर दिया गया है कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति सीनेट में चुनकर आते हैं, तो कुल 100। ठीक है, ठीक है, जैसे कि भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, तो भारत के राज्यों में सीटों का थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, किसी प्रदेश में 20 सीटें हैं, किसी प्रदेश में 1 ही सीट होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्यों को समान माना गया है और जनसंख्या के आधार पर वितरण नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं, और अमेरिका में 50 राज्य हैं, इस प्रकार अमेरिका के सीनेट कितने सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब है निर्वाचन, निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
तो निर्वाचन की पद्धति क्या है, मेथड क्या अपनाया गया है कि आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है। अब ये पद्धति क्या होती है, हम इसको कब समझेंगे, जब हम इसको भारत में चुनाव की प्रक्रिया को समझेंगे, जो कि लिखा हुआ गया है हमारे सिलेबस में लिखा गया है, हम वहाँ इसको बहुत ही व्यापक रूप से समझेंगे कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है सिंगल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो ये निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति हुई, निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति हुई। ठीक है, किसके संदर्भ में, राज्यसभा के संदर्भ में, हम संरचना पर बात कर रहे हैं। राज्यसभा के निर्वाचन कैसे होता है कि राज्यों की विधानसभा में सदस्य करते हैं, और पद्धति क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब है राज्यों की स्थिति क्या है, जैसा कि बताया कि 229 सदस्य आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनकर भेजते हैं। ठीक है, फिर है यूनियन टेरिटरीज से कितने आते हैं, 4 सदस्य आ रहे हैं वर्तमान में, जिसमें आपका जेएम जम्मू कश्मीर है, ठीक है, आपका दिल्ली है और आपका पुडुचेरी है, और आपका पुडुचेरी है। ठीक है, तो यहाँ यूनियन टेरिटरीज के भी प्रतिनिधित्व दिया गया है आपका राज्यसभा में। ठीक है, तो हमने ये राज्यसभा की संरचना को समझा है। अब राज्यसभा के कार्य क्या हैं, कार्य संचालन कैसा है, विशेष अधिकार कैसा है, इन बिंदुओं को आगे समझेंगे। जो हमारा लास्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, लोकसभा की संरचना देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, कार है, कार संचालन, विशेष अधिकार क्या है, इनको कंबाइन करके चलेंगे और एक एक करके पूरे पार्लियामेंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्यसभा के संदर्भ में आज हमने समझा व्यापक रूप से, और उसकी संरचना को समझा, एक ही टॉपिक को समझा है। मैं लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे, एक सीरीज बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हिसाब से आपका पार्लियामेंट चलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।